ओम शांति। ओम शांति। आज एक छोटा सा रात्रि क्लास है। टुडे वी हैव अ स्मॉल नाइट क्लास डेटेड 26/12/68 26/12/68। जितना बाप को याद करेंगे, द मोर यू रिमेम्बर द फादर, फिर तुमको न ठंडी लगेगी न गर्मी असर करेगी। Then the more you will neither feel cold nor will heat affect you. क्या? What? ऐसी स्टेज हो जाएगी कि सर्दी गर्मी का कोई असर शरीर के ऊपर नहीं पड़ेगा। You will attain such a stage that cold and heat will have no effect on your body. ये कौन सी अवस्था हुई? Which stage is this? हैं? इसको कहेंगे प्रकृति जीत अवस्था। दिस विल बी कॉल्ड द स्टेज ऑफ बीइंग प्रकृति जीत, मीनिंग विक्टोरियस ओवर नेचर। भले एकदम तो नहीं होगी, ऑल्दो इट विल नॉट बी अटेंड इमीडिएटली, शुरुआत तो धीरे धीरे होगी। इट विल सर्टनली बिगिन ग्रेजुअली। याद की यात्रा के सिवाय और कुछ भी न रहे। There should be nothing else except the journey of remembrance in your intellect. तब ऐसी अवस्था होगी। Only then will you attain such a stage. कैसी? What kind of a stage? न सर्दी असर करेगी, न गर्मी असर करेगी। That neither cold will affect you nor will heat affect you. ये तो जानते हो कि स्वर्ग में सुख के सिवाय और कोई बात होती ही नहीं। You indeed know that there is nothing else except happiness in heaven. सर्दी लगे, गर्मी लगे, तो दुख हो गया। If you experience cold, if you experience heat, then it is a kind of sorrow. तो वहां तो 2,500 साल के लिए ये अवस्था बनेगी। So there you will attain this stage for 2,500 years. लेकिन उससे भी पहले संगम युग में, बट इवन बिफोर दैट इन द कॉन्फ्लुएंस एज, थोड़े समय में ही हम दीर्घ काल की सुख का अनुभव करेंगे। वी विल एक्सपीरियंस हैप्पीनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम जस्ट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बाप को बुलाते भी हो, भविष्य सुख धाम का मालिक बनाओ। यू ऑल्सो कॉल द फादर सेइंग Make us the masters of the future Sukhdham, meaning abode of happiness. इस दुखधाम से हमको मुक्त कर दो। Liberate us from this Dukhdham, meaning abode of sorrow. अभी तो बाप कहते हैं तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। Now the father says it depends on the purusharth, meaning spiritual effort of you children. ये मेरे हाथ में नहीं है। It is not in my hands. क्या? What? के दुख से दूर कर दूं। That I liberate you from sorrow. ये तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है कि दुखधाम से मुक्त हो जाओ। It depends on the purusharth of you children to liberate yourself from दुखधाम. क्योंकि पवित्र बनना भी बच्चों के हाथ में है। Because it is in the hands of the children to become pure as well. बाप तो सिर्फ इशारा देते हैं। द फादर गिव्स ओनली अ हिंट। इतना टाइम क्यों लगता है? पवित्र बनने में। वाई डज इट टेक सो मच टाइम टू बिकम प्योर? स्टूडेंट दाखिल होते जाते हैं। द स्टूडेंट्स कीप बींग एडमिटेड। नए नए स्टूडेंट दाखिल होते हैं। As the new students keep being admitted, तो पुरानों को भी ठहरना पड़ता है नयों को साथ ले जाने के लिए। The old students also have to wait to take the new ones along with them. बाकी माया को वश करने का वशीकरण मंत्र। As for the rest, the वशीकरण मंत्र, meaning the mantra for controlling someone given to bring Maya under control. चाहे नए हो और चाहे पुराने हो, स
सबको एक ही वशीकरण मंत्र देते हैं। इज द सेम फॉर एवरी वन वेदर दे आर न्यू और ओल्ड। और बाप ही दे सकते हैं। एंड द फादर अलोन कैन गिव इट। बाप कहते हैं तुम बच्चों ने भक्ति मार्ग में कहा है। द फादर सेज यू चिल्ड्रन हैव सेड इन द पाथ ऑफ भक्ति मीनिंग डिवोशन। बाबा आप आवेंगे तो हम आपके सिवाय और कोई को याद नहीं करेंगे। बाबा व्हेन यू कम वी विल रिमेम्बर नोबडी एल्स एक्सेप्ट यू। एक जन्म नहीं, नॉट इन वन बर्थ। भक्ति मार्ग के एक जन्म में ये अंजाम नहीं किया। यू डिड नॉट मेक दिस प्रॉमिस इन जस्ट वन बर्थ ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति। जन्म जन्मांतर ये अंजाम किया। बट यू मेड दिस प्रॉमिस बर्थ आफ्टर बर्थ। बाप कहते हैं एक बाप को ही याद करेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे। द फादर सेज इफ यू रिमेम्बर ओनली द वन फादर एंड डोंट रिमेम्बर एनी वन एल्स। तो एक शर्त है क्या? देन देयर इज अ कंडीशन। व्हाट? घर गृहस्थ में रह करके याद करना है एक बाप को। यू शुड लिव इन द हाउस होल्ड एंड रिमेम्बर द वन फादर। क्योंकि घर गृहस्थ में अनेकों बातें आती हैं। बिकॉज वी कम अक्रॉस मेनी थिंग्स इन द हाउस होल्ड। जंगल में चले जाएंगे। इफ यू गो टू द फॉरेस्ट। फिर एक बाप को याद किया। एंड देन रिमेम्बर द वन फादर। और कोई को याद नहीं किया। एंड डू नॉट रिमेम्बर एनी वन एल्स। ये कोई बड़ी बात नहीं। दिस इज नॉट अ ग्रेट अचीवमेंट। ऐसे तो सन्यासी जंगल में चले जाते हैं। एज सच द सन्यासीज गो टू द फॉरेस्ट। फिर उनको क्या बुद्धि ठिकाने लगती है? देन डज देयर इंटेलेक्ट बिकम फोकस्ड? नहीं लगती। इट डजंट। तो बाप कहते हैं ये प्रैक्टिस करो घर गृहस्थ में रहते बाप को याद करने की और दैवी गुण भी धारण करो। सो द फादर सेज प्रैक्टिस टू रिमेम्बर द फादर व्हाइल लिविंग इन द हाउस होल्ड एंड असिमिलेट द डिवाइन वर्च्यूज एज वेल। घर बार छोड़ना नहीं है। यू डू नॉट हैव टू लीव द हाउस होल्ड। तुम बच्चों को जंगल में जाने की दरकार नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू चिल्ड्रन टू गो टू द फॉरेस्ट। तुम बच्चों को, यू चिल्ड्रन, उनकी बात अलग है। देयर सब्जेक्ट इज डिफरेंट। किनकी? हूज? उन सन्यासियों की बात अलग है। द सब्जेक्ट ऑफ दोस सन्यासीज इज डिफरेंट। उनको तो बाप समझाएंगे तो भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, घर घर तो छोड़ेंगे। इवन इफ द फादर एक्सप्लेन्स टू देम इट विल नॉट सिट इन देयर इंटेलेक्ट स्टिल दे विल लीव द हाउस होल्ड। लेकिन तुमको घर बार नहीं छोड़ना है। बट यू डू नॉट हैव टू लीव द हाउस होल्ड। जंगल में जाने की दरकार ही नहीं। देयर इज नो नीड टू गो टू द फॉरेस्ट एट ऑल। पूछते हैं बाबा हम मकान बनावे? चिल्ड्रन आस्क बाबा कैन वी बिल्ड अ हाउस। बाबा से पूछते हैं। दे आस्क बाबा मकान बनावे? कैन वी बिल्ड अ हाउस। क्यों नहीं? बाबा सेज व्हाई नॉट। बल मकान बनाओ। इफ यू वांट यू मे बिल्ड अ हाउस। बच्चे कहते हैं बाबा। द चिल्ड्रन से बाबा विनाश आने वाला है। डिस्ट्रक्शन इज अबाउट टू टेक प्लेस। तो तुम मकान नहीं बनावेंगे तो भी तो तुम्हारे पैसे बर्बाद चले जाएंगे। बाबा सेज इफ यू डू नॉट बिल्ड अ हाउस इवन देन योर मनी विल बी वेस्टेड। मकान बनावेंगे तो मकान विनाश हो जाएगा। If you build a house, the house will be destroyed. नहीं बनावेंगे तो भी तुम्हारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। If you do not build a house, even then your money will be wasted. इसलिए मकान बनाकर थोड़ा तो सुख ले लो। That is why build a house and at least have some happiness. तुम्हारे पास पैसे हैं
तो भल बनाओ। इफ यू हैव मनी यू मे बिल्ड अ हाउस। थोड़ा आराम ले लो। हैव सम कंफर्ट। बाबा मना नहीं करते हैं। बाबा डजंट फॉरबिड यू। किस बात के लिए? फॉर व्हाट? मकान बनाने के लिए, आराम लेने के लिए। टू बिल्ड अ हाउस, टू हैव कंफर्ट। बाबा भी तो बनाते हैं बच्चों के लिए। इवन बाबा बिल्ड्स हाउसेस फॉर द चिल्ड्रन, डजंट ही? तो फॉलो फादर। सो फॉलो द फादर। क्यों? व्हाई? अरे बाबा बनाते हैं तो बच्चे भी बनाए अपने बच्चों के लिए। अरे व्हेन बाबा बिल्ड्स हाउसेस देन द चिल्ड्रन कैन आल्सो बिल्ड वन फॉर देयर चिल्ड्रन। खुद भी आराम ले, बच्चों को भी आराम दे। दे देमसेल्व्स एज वेल एज देयर चिल्ड्रन कैन हैव कंफर्ट। परंतु बाबा अपने लिए थोड़े ही बनाते हैं। बट बाबा डजंट बिल्ड अ हाउस फॉर हिमसेल्फ। बाबा तो पुरानी झोपड़ी में रहते हैं। बाबा लिव्स इन एन ओल्ड हट। वहां तुमको वर्षा मिलता है। यू गेट द इनहेरिटेंस देयर। परंतु वहां तो तुमको कोई अहंकार नहीं होता है। बट यू डू नॉट हैव एनी ईगो देयर। कहां? वेयर? नई दुनिया में। इन द न्यू वर्ल्ड। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। नाउ यू बिकम सोल कॉन्शियस। तो वो अहंकार भी चलता है देह का। द ईगो ऑफ द बॉडी ऑल्सो प्रिवेल्स। कि देह है तो देह की अच्छी परवरिश होनी चाहिए। सच दैट यू थिंक इफ वी हैव अ बॉडी देन इट शुड बी नर्चर्ड वेल। नहीं तो लोगों के सामने मान मर्तबा कम हो जाएगा। अदरवाइज अवर पोजिशन एंड रिस्पेक्ट विल कम डाउन इन फ्रंट ऑफ द पीपल। यहाँ तो देखो, इस दुनिया में सन्यासियों आदि को कितना अहंकार है। लुक हियर इन दिस वर्ल्ड दी सन्यासिस एटसेट्रा पजेस सच ईगो। तो क्या करते हैं? सो व्हाट डू दे डू? सन्यासियों का अहंकार होता है तो क्या करते हैं? व्हाट डू द सन्यासिस डू बिकॉज ऑफ देयर ईगो? है बड़े नहीं बड़े बड़े मठ बनाते रहते हैं। समवन सेड दे से शिवो हम, दैट इज आई एम शिव। नो, दे कीप बिल्डिंग बिग रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट्स। मकान बनाने की बात हो रही है ना? द टॉपिक ऑफ बिल्डिंग हाउसेस इज गोइंग ऑन, इजंट इट? अभी वो सन्यासी तुमसे परिचय तो लेंगे नहीं, बेहद के बाप का। Now those sannyasis won't take the introduction of the unlimited father from you. वो तो समझते हैं हम खुद ही ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। They think we ourselves will merge into Brahma, that is the element Brahma. हमें कोई क्या सिखाएगा? What will anyone teach us? वास्तव में साक्षात्कार में कोई फायदा नहीं है। In reality, there is no benefit in having visions. भक्ति में साक्षात्कार होता है, फायदा कुछ भी नहीं होता है। पीपल हैव विजन्स इन द पाथ ऑफ भक्ति बट देयर इज नो बेनिफिट इन इट एट ऑल। अल्पकाल का सुख मिल जाता है। दे गेट मोमेंटरी हैप्पीनेस। परंतु यहाँ तो तुमको साक्षात्कार होता है कुछ पाने के लिए। बट हियर यू हैव द विजन्स विद एन इंटेंशन ऑफ अचीविंग समथिंग। भक्ति मार्ग में सूरदास को, तुलसीदास को, मीरा को साक्षात्कार हुए, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई। इन द पाथ ऑफ भक्ति सूरदास, तुलसीदास एंड मीरा हैड विजन्स बट दे डिडंट अचीव एनीथिंग। तुमको जो साक्षात्कार होता है, द विजन्स दैट यू हैव, भले बंद आंखों का होता है या बुद्धि का साक्षात्कार होता है, वेदर विद क्लोज्ड आईज और इन द इंटेलेक्ट, तुम तो जानते हो कि हम कुछ पाने के लिए साक्षात्कार हुआ है। You indeed know we have had vision in order to achieve something. अक्सर करके ब्रह्मा का, लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार होता है। Usually you have the visions of Brahma and Lakshmi Narayan. तो समझा जाता है कि हमको यह पढ़ाई पढ़कर ऐसा बनना है। So it is understood we have to study this knowledge and become like this. तुमको तो एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है ना? यू सर्टनली हैव द विजन्स ऑफ द एम एंड ऑब्जेक्टिव, डोंट यू? तुम बच्चों को कृष्ण का साक्षात्कार भक्ति मार्ग में बहुत हुआ। यू चिल्ड्रन हैड अ लॉट ऑफ विजन्स ऑफ कृष्णा
इन द पाथ ऑफ भक्ति। वहां तो बहुत मेहनत करते थे साक्षात्कार के लिए। देर यू यूज टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू हैव विजन्स। कोई तो प्राण देने के लिए भी तैयार हो जाते थे हमको दीदार हो जाए। सम यूज टू बी रेडी इवन टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ हैविंग विजन्स। यहाँ साक्षात्कार के लिए कोई मेहनत नहीं। हियर देयर इज नो हार्ड वर्क इन्वॉल्वड इन हैविंग विजन्स। बच्चियां कितनी ढेर साक्षात्कार में जाती थी। सो मेनी डॉटर्स यूज्ड टू हैव विजन्स। खेलती रहती थी। दे यूज्ड टू कीप प्लेइंग। साक्षात्कार होते ही हैं कि ऐसा पढ़ करके तुमको यह बनना है। यू हैव विजन्स फॉर द वेरी रीजन दैट यू रियलाइज यू हैव टू स्टडी एंड बिकम लाइक दिस। राधे के भक्त होंगे तो कहेंगे जिधर देखता हूँ उधर राधे ही राधे। द डिवोटीज ऑफ राधे विल से वेरेवर आई सी देयर इज ओनली राधे एवरीवेयर। परंतु राधे बन तो नहीं सकते हैं। हाउएवर दे कैन नॉट बिकम राधे इंडीड। और तुम? एंड व्हाट अबाउट यू? तुमको लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार होता है राधे का साक्षात्कार होता है। यू हैव द विजन्स ऑफ लक्ष्मी नारायण यू हैव द विजन्स ऑफ राधे। तो तुमको तो बनने के लिए साक्षात्कार होता है ना। सो यू डू हैव द विजन्स सो दैट यू बिकम दैट डोंट यू। बाप आए ही हैं स्वर्ग का मालिक बनाने। द फादर हैज इंडीड कम टू मेक यू द मास्टर्स ऑफ हेवन। अर्थात तुमको देवी देवता धर्म में ट्रांसफर करने के लिए। मीनिंग टू ट्रांसफर यू टू द डेटी रिलीजन। तुमको इस बात का ज्ञान है। यू हैव द नॉलेज ऑफ दिस फैक्ट। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान का इन बातों का साक्षात्कार होता ही नहीं। इन द पाथ ऑफ भक्ति यू डोंट हैव द विजन्स ऑफ नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स एट ऑल। वहां ज्ञान ही नहीं होता। देयर इज नो नॉलेज एट ऑल देयर। ज्ञान से सदगति हो जाती है। नॉलेज ब्रिंग्स अबाउट सदगति। और भक्ति से दुर्गति हो जाती है। एंड व्हाट डज भक्ति ब्रिंग अबाउट? इट ब्रिंग्स अबाउट डिग्रेडेशन। सदगति माना ही सतयुग में जाना। द वेरी मीनिंग ऑफ सदगति इज टू गो टू द गोल्डन एज। सब माने सच्ची। सद मीन्स ट्रू। गति माने स्पीड। एंड गति मीन्स स्पीड। आत्मा की सच्ची स्पीड हो जाए कहाँ के लिए? द सोल शुड गेन द ट्रू स्पीड टू गो वेयर। ऊपर के लिए कि नीचे के लिए? इज इट टू गो अबव और डाउन? ऊंची स्टेज में जाने के लिए। टू गो इन अ हाई स्टेज। तो सत्युग माने सदगति। सो द गोल्डन एज मीन्स सदगति। और दुर्गति माने कलयुग में जाना। एंड डिग्रेडेशन दुर्गति मीन्स टू गो इन द आयरन एज। कलयुग है नरक। द आयरन एज इज नरक मीनिंग हेल। और सत्युग है स्वर्ग। एंड द गोल्डन एज इज स्वर्ग मीनिंग हेवन। रावण से रावण राज्य शुरू होता है। द किंगडम ऑफ रावण बिगिन्स फ्रॉम रावण। तो दुर्गति में जाते हैं। सो वी फॉल इनटू डिग्रेडेशन। तो दुर्गति में जाने का कारण क्या हुआ? सो व्हाट इज द रीजन ऑफ फॉलिंग इनटू डिग्रेडेशन? राम से राम राज्य शुरू होता है। द किंगडम ऑफ राम बिगिन्स फ्रॉम राम। तो सदगति में जाते हैं। सो वी एक्सपीरियंस सदगति। तो राम और रावण दोनों में क्या अंतर है? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ राम एंड रावण? कुछ अंतर होगा। देयर विल बी सम डिफरेंस। तब तो रावण से दुर्गति में जाते हैं राम से सदगति में जाते हैं तो क्या अंतर है दोनों में? ओनली देन डू वी फॉल इनटू डिग्रेडेशन थ्रू रावण एंड वी गो इन सदगति थ्रू राम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? राम को एक मुख है। राम हैज वन फेस। राम एक मुख से बात करता है। राम स्पीक्स थ्रू वन माउथ। और रावण अनेक मुख से बातें करता है। एंड व्हाट अबाउट रावण?
He speaks through numerous mouths. तो कौन सच्चा हुआ कौन झूठा हुआ? So, who is true and who is false? जो एक मुख से एक बात करेगा वो हुआ सच्चा. The one who speaks one thing through one mouth is true. उसकी सच्चाई से होती है सदगति. His truthfulness brings about sadgati. जो अनेकों मुख से अनेकों प्रकार की बातें करेगा उससे होगी दुर्गति. The one who speaks many things through many mouths will bring degradation. तो दुर्गति में जाते हैं रावण से. So, we fall into degradation through Ravan. आगे तो तुम भी कुछ भी नहीं जानते थे. Earlier, you did not know anything either. अभी बाप आते हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए. Now, the father comes to transform the human beings into deities. गायन भी है मनुष्य से देवता की एक रतन लागी वार. There is also a praise, मनुष्य से देवता की ये करतना लागी वार, meaning it doesn't take much time for God to make deities from human beings. तुम्हारी युद्ध माया के साथ है. Your war is with माया. मनुष्य से देवता बनने में देर तो नहीं लगती है. It certainly doesn't take long to become a deity from a human being. लेकिन फिर ये 100 साल किस में निकल जाते हैं? But then, in what are these 100 years spent? किस बात में चले जाते हैं? In what are they spent? क्योंकि बीच में माया, माया खड़ी हुई है वो तुमको मेरी बात समझने नहीं देती है. It is because माया is standing in between. She doesn't let you understand what I say. तुम याद करते हो और माया तुमको बुलाई देती है. You remember the father and Maya makes you forget him. 84 के जन्मों का चक्र जानने में तुमको कोई तकलीफ नहीं होती है. You don't experience any difficulty to know the cycle of 84 births. बाकी? As for the rest. फिर रुकावट कहाँ आती है? Then where do you experience hindrance? याद में रुकावट आती है. याद में कितनी युद्ध चलती है. Someone said in remembrance. Hindrance is experienced in remembrance. Such a war takes place in remembrance. तुम घड़ी घड़ी याद करते हो. घड़ी घड़ी भूल जाते हो. You remember the father again, and at the same time you forget him again. बहुत कड़ी युद्ध है. It's a very tough war. इस युद्ध में आधों को तो माया बरोबर खा जाती है. In this war, माया eats up half of them, that is souls, completely. आधे तो धराशायी कर लेती है. She knocks down half of them, धराशायी. बहुतों को माया हराए देती है. माया defeats many of them. तो माया almighty है. So माया इज ऑलमाइटी. किस बात में? इन विच सब्जेक्ट? बाप को भुलाने में माया ऑलमाइटी है. माया इज ऑलमाइटी इन मेकिंग अस फॉरगेट द फादर. और बाप भी ऑलमाइटी है. एंड द फादर इज ऑल्सो ऑलमाइटी. तो कहेंगे रावण भी ऑलमाइटी है, राम भी ऑलमाइटी है. So, it will be said, Ravan is almighty as well as Ram is almighty. आधा-आधा है. Each one rules half of the cycle. तो द्वापर से कलयुग तक रावण राज्य होता है. 2500 साल. So, the kingdom of Ravan exists from the copper age till the iron age for 2500 years. 2500 वर्ष रावण राज्य. फिर सत्युग त्रेता में 2500 वर्ष तुम्हारा राज्य चलता है. द किंगडम ऑफ रावण एग्जिस्ट फॉर 2500 ईयर्स. देन इन द गोल्डन एज एंड द सिल्वर एज योर किंगडम एग्जिस्ट फॉर 2500 ईयर्स. तो माया आधों को खा जाती है. सो माया ईट्स हाफ ऑफ देम. आधों को खा जाती है.
She eats half of them. हाँ? क्या मतलब हुआ? What does it mean? याद करने के लिए अवसर नहीं. हाँ? याद करने के लिए अवसर नहीं. Someone said to remember. नहीं. पुरुषार्थ कितने करते हैं? No. How many souls make पुरुषार्थ? पढ़ाई कितने पढ़ते हैं? How many souls study the knowledge? 9 लाख पढ़ाई पढ़ते हैं? नहीं, 4.5 लाख. Someone said 900,000. Do 900,000 souls study the knowledge? Someone said no. Only 450,000 study. 4.5 लाख में प्रजा नहीं है? Are subjects not included in the 450,000 souls? प्रजा राजयोग सीखती है, राजयोग की पढ़ाई पढ़ती है कि प्रजा योग में चले जाते हैं? Do the subjects study राजयोग? Do they study the study of राजयोग? Or do they learn प्रजा योग? That is the study to become subjects. प्रजा वर्ग वाले पढ़ाई पढ़ते हैं? Do the ones belonging to the subject category study the knowledge? वो तो नहीं पढ़ते. They definitely do not study. फिर कितने पढ़ाई पढ़ते हैं? Then how many souls study the knowledge? 16,108 पढ़ाई पढ़ते हैं. Someone said 16,108. Yes, 16,108 souls study the knowledge. उनमें से कितनों को माया खा जाती है? How many from among them are eaten up by Maya? आधों को खा जाती है. She eats half of them. माने 8,000 को leftist बना देती है. Meaning she makes 8,000 souls into leftist. Leftist, that is belonging to the left side of the tree. माला के दो छेड़े हुए ना? There are two groups in the rosary, aren't there? तो 8,000 तो righteous जो चलते हैं, उनको तो बाप बचाए लेता है. So the father protects the 8,000 souls who follow the righteous, that is right path. और जो माया के पंजे में आ जाते हैं, माया की गिरफ्त में आ जाते हैं. And those who come in the clutches of Maya, those who come in the captivity of Maya. माया उनको पूरा ही खा जाती है. माया ईट्स देम अप कम्प्लीटली. लेफ्टिस्ट बन जाते हैं, माना अपवित्र बन जाते हैं. दे बिकम लेफ्टिस्ट मीनिंग दे बिकम इम्प्योर, माना माया खा जाती है. दैट मीन्स माया ईट्स देम अप. अभी तुम कितनों को लेकर आए हो? Now you have brought so many people with you. क्या बोला? What was said? अभी तुम कितनों को लेकर आए हो? Now you have brought so many people with you. दूसरी बारी आवेगी तो जरूर एक दो को गमा कर आवेगी. When you come for the second time, you will definitely lose one or two of them and come. लिखती हो ना? You write, don't you? बाबा फलाना आया था, बहुत अच्छा चलता था. बाबा सच एंड सच पर्सन केम, ही वॉज फॉलोइंग द नॉलेज वेरी नाइसली. अभी आता ही नहीं है. नाउ ही डजंट कम एट ऑल. तो बाबा समझाते हैं इसमें मुझने की बात नहीं है. सो बाबा एक्सप्लेन्स देयर इज नथिंग टू वरी इन दिस. झाड़ होता है, पुराने पत्ते झड़ते रहते हैं, नए निकलते रहते हैं. इन अ ट्री The old leaves keep falling and the new leaves keep growing. कल्प कल्प ऐसा होता है. तुम कितना ऊंच पद पाते हो? It happens like this every kalpa. You attain such a high post. तुम स्थिरियम रहते हो तो ऊंच पद पाते हो. You remain stable, so you attain a high post. जो स्थिरियम नहीं रह पाते, माया जिनको खा जाती है, वो फिर ऊंच पद पाते हैं कि दास दासी बनते हैं? Those who are not able to remain stable, those whom Maya eats up, do they receive a high post or do they become servants and maids? वो दास दासी बनते हैं. जो यहाँ दास दासी बनते हैं, they become servants and maids. Those who become servants and maids here,
वो ही फिर द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। They themselves convert to other religions from the copper age. तो उन सारों को गिराने के निमित्त कौन बने? So, who became instruments to make all of them fall down? ना, निमित्त। Someone said, Maya. No, who became the instrument? निमित्त। निमित्त माने साकार। निमित्त means the corporeal one. Practical में निमित्त कौन बने? जो द्वापर युग से नीचे गिरने वाले हैं। Among those who fall down from the copper age, who become the instruments in practice? वो ही 8,000 जो leftist बन जाते हैं। They are those very 8,000 souls who become leftist. तो इसमें मुझने की बात नहीं है, कल्प कल्प ऐसा होता है। So there is nothing to worry in this. The same thing happens every kalpa. सभी के लिए एक ही बेहद का टीचर आता है सदगति देने के लिए। Only one unlimited teacher comes for everyone to bring about their sadgati. और प्यार भी सभी को एक जैसा देता है। And he also gives love to everyone equally. पहले माँ बाप से प्यार होता है। First of all, there is love for the parents. फिर स्त्री से होता है। After that, there is love for the wife. फिर बच्चे से प्यार हो जाता है। And then there is love for the child. उसमें भी बच्चा हुआ तो कितना खुश होंगे। Even in that, if a son is born, they become so happy. और बच्ची होगी? But if a daughter is born, तो उतना खुश नहीं होंगे। They will not be that happy. कोई कोई तो फिर कन्या के लिए समझते हैं घर में लक्ष्मी आई। Then there are some who think Lakshmi, that is goddess of wealth, has come in our house if a daughter is born. अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। अच्छा, रिमेम्बरेंस, लव, गुड नाइट एंड नमस्ते, मीनिंग ग्रीटिंग्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल बाप दादा टू द स्वीट स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। आज का प्रातः क्लास है 27/68। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज डेटेड 27/12/68। ये तो बच्चे समझते होंगे हम अभी ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। द चिल्ड्रन विल बी रियलाइजिंग एट दिस टाइम वी आर ब्रह्मा कुमार कुमारीज, द चिल्ड्रन ऑफ ब्रह्मा। फिर बाद में बनेंगे देवी देवताएं। देन लेटर वी विल बिकम डेटीज। और ये बात तुम ही समझते हो। एंड यू अलोन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। क्या? वॉट? वो नहीं समझते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड इट। तुम समझते हो। यू अंडरस्टैंड इट। दूसरे कोई भी नहीं समझते। नोबडी एल्स अंडरस्टैंड्स इट। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां वेद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यू नो वी ब्रह्मा कुमार कुमारीज आर स्टडिंग द अनलिमिटेड नॉलेज। 84 जन्मों की पढ़ाई भी पढ़ी, षष्ठ चक्र की पढ़ाई भी पढ़ी। वी स्टडीड द नॉलेज ऑफ द 84 बर्थ्स एज वेल एज द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड साइकिल। फिर तुमको ये शिक्षा मिलती है कि पवित्र भी बनना है। देन यू रिसीव द टीचिंग ऑफ द आइडिया दैट यू ऑल्सो हैव टू बिकम प्योर। यहाँ बैठे तुम बच्चे बाप को याद तो जरूर करते होंगे पावन बनने के लिए। वेल सिटिंग हियर यू चिल्ड्रन विल डेफिनेटली बी रिमेम्बरिंग द फादर टू बिकम प्योर। तो अपने से पूछो। सो आस्क योरसेल्फ कि हम सच सच बाप की याद में बैठे थे। डिड वी रियली सिट इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर? या माया बुद्धि को भरमा कर इधर उधर ले जाती रही? और डिड माया कीप टेकिंग अवर इंटेलेक्ट हियर एंड देयर बाय मिसलीडिंग अस? बाप ने कहा है पाप कब कटेंगे? द फादर हैज सेड When will the sins be destroyed? है? जब माम एकम याद करेंगे। Someone said, if we remain in the remembrance of the father, when you remember me alone, मुझे एक को ही याद करेंगे तो पाप कटेंगे। If you remember me alone, only then will your sins be destroyed. और बीच बीच में दूसरे को कोई याद करते रहे
तो पाप कटेंगे नहीं. बट इफ यू कीप रिमेम्बरिंग समवन एल्स इन बिटवीन देन द सिंस वोंट बी डिस्ट्रॉयड. अभी अपन से पूछना है. नाउ वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स कि हम बाप की याद में रहे या बुद्धि कहाँ चली गई. डिड वी रिमेन इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर और डिड द इंटेलेक्ट गो समवेयर एल्स. स्मृति रहना चाहिए ना. कितना समय हम बाप की याद में रहे. इट शुड बी इन योर माइंड शुडंट इट. फॉर हाउ लॉन्ग डिड वी रिमेन इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर. कितना समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई. फॉर हाउ लॉन्ग एंड वेयर डिड अवर इंटेलेक्ट गो. अपनी अवस्था को देखो. ऑब्जर्व योर स्टेज. जितना टाइम बाप को याद करेंगे द लॉन्गर यू रिमेम्बर द फादर उससे ही पावन बनेंगे. यू विल बिकम प्योर टू दैट एक्सटेंट ओनली थ्रू दैट. तो जमा और घाटा का पोता मेल रखना है. सो यू हैव टू मेंटेन द पोता मेल दैट इज अकाउंट ऑफ सेविंग्स एंड लॉसेस. अगर आदत होगी तो याद रहेगी. इफ यू हैव द हैबिट यू विल रिमेम्बर इट. और लिखते भी रहेंगे. एंड यू विल ऑल्सो कीप नोटिंग इट डाउन. डायरी तो सभी की पॉकेट में पड़ी हुई रहे. देर शुड सर्टनली बी अ डायरी इन एवरीवन्स पॉकेट. इस बात के लिए है. फॉर व्हाट पर्पस. कि हम कितना परसेंटेज याद में रहते हैं. लिखते रहे. सो दैट यू कीप नोटिंग टू व्हाट परसेंटेज डू वी रिमेन इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर. जो भी व्यापार वाले होते हैं उनों की हद की डायरी होती है. तुम्हारी तो बेहद की डायरी है. ऑल द बिजनेसमैन हैव अ लिमिटेड डायरी एंड योर्स इज एन अनलिमिटेड डायरी. तो तुमको अपना चार्ट भी नोट करना है. सो यू ऑल्सो हैव टू नोट डाउन योर चार्ट. बाप का फरमान है धंधा आदि सभी कुछ करो. इट इज द फादर्स डायरेक्शन डू योर बिजनेस एटसेट्रा एंड एवरीथिंग. परंतु समय निकाल कर मेरे को जरूर याद करो. बट टेक आउट सम टाइम एंड सर्टनली रिमेम्बर मी. फिर अपने फायदे को देखो. देन चेक योर प्रॉफिट. फायदे को बढ़ाते जाओ घाटा ना डालो. कीप इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट डू नॉट इनकर अ लॉस. क्योंकि तुम्हारी माया के साथ युद्ध है. बिकॉज योर वॉर इज विथ माया. सेकंड में फायदा और सेकंड में घाटा हो जाता है. In a second we make a profit and in a second we incur a loss. ये फायदा और घाटा तुरंत मिलता है. You make a profit and loss immediately. झट मालूम पड़ जाता है कि हमने फायदा किया या घाटा किया. We come to know immediately whether we have made a profit or a loss. क्योंकि तुम व्यापारी हो ना. Because you are traders, aren't you? कोई बिरला बच्चा है जो ये व्यापार करे. देयर इज अ रेयर चाइल्ड हु डज दिस बिजनेस. इस स्मृति से ही फायदा है. देयर इज बेनिफिट ओनली इन दिस रिमेम्बरेंस. विस्मृति से घाटा हो जाता है. यू इनकर अ लॉस इफ यू फॉरगेट इट. तो ये अपनी जांच करनी है. सो यू हैव टू चेक योरसेल्फ. जिनको ऊंच पद पाना है उनको तो ऊंच होना रहता है कि देखें हम कितना समय विस्मृति में रहे कितना समय स्मृति में रहे. Those who have to achieve a high post have a desire to see how long did we forget the remembrance of the father and how long did we remember him. ये तो तुम बच्चे जानते हो हम सभी आत्माओं का बाप पतित पावन है. You children indeed know the father of all of us souls is the purifier of the sinful ones. और हम असल में आत्माएं हैं. And we are souls in reality. अपने घर से आए हैं. We have come from our home. यहाँ शरीर लेकर हम पार्ट बजाते हैं. And we play a part here by taking on a body. ये शरीर हमारा विनाशी है, आत्मा विनाशी है. This body of ours is destructible, and the soul is indestructible. संस्कार सभी प्रकार के, चाहे पाप के हों, चाहे पुण्य के हों, आत्मा में ही रहते हैं. All kinds of संस्कार, whether sinful ones or noble ones, are contained in the soul itself. तो बाप पूछते भी हैं आत्मा को याद करो. So, the father also asks you to remember the soul. हे आत्मा. O soul. इस जन्म के छोटेपन में कोई उल्टा काम तो नहीं किया. याद करो. Did you perform any opposite deed in the childhood of this birth? Recollect it.
तीन चार वर्ष के जब से होते हैं तो तीन चार वर्ष की उम्र से लेकर याद तो रहता है ना। When you are 3 to 4 years old, you do remember everything from the age of 3 to 4 years, don't you? हमने छोटेपन में कैसे कैसे जिंदगी गुजारी? How did we spend our life in the childhood? क्या क्या किया? What did we do? जो भी किया उसको याद करके दिल के अंदर खाता तो नहीं है? Whatever you did, does it pinch inside your heart by remembering? याद करो। Recollect it. सतयुग में तो पाप कर्म होते नहीं है। There are no sinful deeds in the golden age. तो वहां तो पूछने की भी दरकार नहीं रहती है। So, there is no need to ask all this there either. यहाँ तो पाप ही होते हैं। Here, only sins are committed. मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वो भी पाप है। The deeds which human beings think to be noble are also sins. क्योंकि ये तो है ही पापात्माओं की दुनिया। Because this is indeed the world of sinful souls. तुम्हारा लेन देन सारा पापात्माओं से है। All your dealings are with sinful souls. यहाँ पुण्यात्मा कोई है ही नहीं। No one is a noble soul here at all. पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर एक भी पापात्मा नहीं होता है। There is not even a single sinful soul in the world of the noble souls. और पापात्माओं की दुनिया में एक भी पुण्यात्मा नहीं हो सकता। And there can't be a single noble soul in the world of the sinful souls. जिन गुरुओं के चरणों में गिरते हैं वो सभी कोई पुण्यात्मा नहीं है। The gurus on whose feet they, that is, the devotees fall, none of them are noble souls. ये तो है ही कलयुगी सो तमोप्रधान। This is indeed the iron age which is tamopradhan. तो इसमें पुण्यात्मा होना असंभव बात है। So, it is impossible to find a noble soul here. पुण्यात्मा बनने के लिए तुम बाप को बुलाते हो। You call the father in order to become a noble soul. कि आकर के हमको पावन आत्मा बनाओ। Saying, come and make us a pure soul. ऐसे नहीं, कोई बहुत दान पुण्य आदि करते हैं, धर्मशाला आदि बनाते हैं, तो वो पुण्यात्मा हो गए। It is not that if someone gives a lot of donation and charity, builds rest houses etc., then he is a noble soul. नहीं। No. फिर भी वो रहेंगे तो पापात्मा। They will still remain to be sinful souls. शादियों के लिए हाल आदि बनाते हैं। They build halls etc. for wedding ceremonies. ये भी पाप हुआ। This is also a sin. सभी पापात्मा हैं। All are sinful souls. ये सभी समझने की बातें हैं। All these are the things to be understood. ये है ही रावण राज्य। This is indeed the kingdom of Ravan. पापात्माओं की दुनिया है। It is the world of sinful souls. और इन बातों को सिवाय तुम्हारे कोई भी नहीं जानते हैं। And except you, nobody else knows these things. रावण भल है। Although there is Ravan, इस दुनिया में रावण का राज्य भल है, परंतु उनको कोई पहचानते थोड़े ही हैं। Although there is the kingdom of Ravan in this world, no one recognizes him. है? दुनिया वाले रावण को नहीं पहचानते? Don't the people of the world recognize Ravan? वो तो समझते हैं कोई दस सिर वाला रहा होगा। Someone said something. They think there would have been a personality having 10 heads. और हम क्या समझते हैं? Whereas, what do we think? हैं? हम क्या समझते हैं? What do we think? रावण अंदर है। हैं? रावण अंदर है। Someone said Ravan is inside everyone. पांच विकार रावण है। Someone said the 5 vices. Are the 5 vices Ravan? माने रावण का चित्र नहीं है। Do you mean there is no picture of Ravan? चित्र है तो चरित्र करने वाला कोई नहीं है, हैं? Someone said there is a picture. If there is a picture, isn't there someone who plays the part? चित्र है तो चरित्र करने वाला भी तो कोई होगा। If there is a picture, there will also be someone who plays the part.
काम क्रोध लोह मोह अहंकार रावण के रूप है। लस्ट एंगर ग्रीड अटैचमेंट एंड ईगो आर द फॉर्म्स ऑफ रावण। तो दुनिया में परसेंटेज में कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी हैं, ये सब एक जैसे हैं। सो आर द पीपल इन द वर्ल्ड लस्टफुल एंग्री ग्रीडी विथ अटैचमेंट एंड ईगोइस्टिक टू अ परसेंटेज और आर ऑल ऑफ देम अलाइक। नंबर वार है, परसेंटेज में है, दे आर नंबर वाइज दैट इज टू अ डिफरेंट परसेंटेज। तो कोई 100% कामी भी तो होगा। सो देर विल ऑल्सो बी समवन हु इज 100% लस्टफुल। 100% कोई क्रोधी भी तो होगा। देर विल ऑल्सो बी समवन हु इज 100% एंग्री। 100% कोई लोभी भी तो होगा। देर विल ऑल्सो बी समवन हु इज 100% ग्रीडी। मोही अहंकारी भी तो कोई होगा। देर विल ऑल्सो बी समवन हु इज 100% विथ अटैचमेंट and someone totally egoistic. वो कौन है? Who are they? कौन है? कौन हो सकता है? They are very good. हैं? Who are they? Someone said they are some people. Who can they be? Someone said bodily gurus. देहधारी गुरु? वो तो ढेर हैं। 10 कहाँ हैं? Bodily gurus. They are numerous. They are not just 10. देहधारी गुरुओं की कोई गिनती है क्या? Is there any limit of the number of the bodily gurus? दुनिया में कितने गुरु हैं? There are so many gurus in the world. देहधारी गुरु? Bodily guru. हर घर में पति गुरु बन के बैठा हुआ है? स्त्री का? In every house, the husband sits as a guru of his wife. तो देहधारी गुरु नहीं है? So, isn't he a bodily guru? तो कितने हैं? So, how many are they? वो तो ढेर हो गए। In fact, they are numerous. आखरी जिसका चित्र बनाते हैं वो 10 सिर वाला रावण कौन? At last, who is that Ravan with 10 heads whose picture is prepared? चित्र बनाते हैं तो चरित्र करने वाला कोई तो होगा। If the picture is made, there will be someone who plays that part. अरे? आधार मूर्ति। अरे, someone said something. Who? Someone said the supporting souls. The supporting souls. आधार मूर्ति खुद चलते हैं कि उनमें प्रवेश करने वाले चलाते हैं? तो कौन हुए? Do the supporting souls work themselves or do those who enter them control them? Everyone said those who enter them. So, who are they? आधार मूर्त हैं, वो तो पहले देवता थे कि दैत्य थे? The supporting souls were deities earlier. Or were they demons? Yeah. पहले क्या थे? Yeah. पहले तो देवता थे, भगवान ने खुद आकर उनको देवता बनाया। What were they before? Earlier, they were deities. God himself came and made them deities. तो उनको रावण बना, उनको रावण कहें, गिराने वाला उनको कहें? So, will they be called Ravan? Will they be called the ones who make us fall down? या उनको भी गिराने वाला कोई और? Or is there someone else who makes even them fall down? कौन है? Who are they? जो ऊपर से आते हैं? Those who come from above. वो ही हुए गिराने वाले? Are the very ones who make them fall down. तो जो मुख्य मुख्य धर्म हैं, वो टोटल कितने हैं? 10 धर्म हैं। So, how many religions are there in total? There are 10 religions. जो 10 धर्म हैं, उन 10 धर्मों के मुखिया क्या हुए? What are the chiefs of all the 10 religions that exist? रावण हो गए। स्टूडेंट्स सेड द सीड्स दे आर रावण। बीज में सबसे जास्ती ताकत होती है। द सीड इज द मोस्ट पावरफुल। आधार अर्थात जड़ों में उतनी ताकत नहीं होती। द सपोर्ट्स मीनिंग द रूट्स आर नॉट सो पावरफुल। टहनियों में, तने में, पत्तों में, फूल में, फलों में उतनी ताकत नहीं होती।
द ब्रांचेस स्टेम लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स डू नॉट पजेस दैट मच पावर. तो असल ही रावण कौन हुए? सो हु आर द एक्चुअल रावण? हैं? जो भी मुखिया हैं, वो सब क्या हैं? What are all the chiefs? जो भी अपने अपने धर्म के मुखिया हैं, उनके फॉलोअर से नीचे गिरते हैं कि नहीं? Someone said, Ravan, do the followers of the chiefs of all the religions fall down or not? Someone said, they do. उनको नीचे गिराने के निमित्त तो कौन हुए? वो ही मुखिया हुए. Who is responsible to make them fall down? They are those very chiefs. तो कितने रावण हो गए? रावण के सर कितने? रावण तो एक ही हुआ. So, how many Ravan are there? How many are the heads of Ravan? Ravan is only one. लेकिन सर कितने हो गए? But how many heads does he have? 10 रावण के सिर हो गए. There are 10 heads of Ravan. इनके चित्र भी बना सकते. We can also prepare their pictures. लेकिन बनावेगा कौन? But who will prepare them? चित्र बनाने के बाद साबित भी करना पड़े. You will also have to prove them to be right after making the pictures. तो रावण को पहचानते थोड़े ही हैं. So they do not recognize Ravan. रावण का चित्र बनाने वाले पहचानते हैं? Do those who prepare the picture of Ravan recognize him? वो भी नहीं पहचानते, ऐसे ही काल्पनिक चित्र बना देते हैं. They don't recognize him either. They just prepare an imaginary picture. असली चित्र बनाते हैं क्या? नहीं. Do they prepare the actual pictures? No. शिव का चित्र भी है. There is also a picture of Shiv. परंतु उसको भी पहचानते थोड़े ही हैं. But they don't recognize him either. रावण का भी चित्र है और शिव का भी चित्र है. न शिव को पहचानते हैं जो स्वर्ग बनाने वाला है, न रावण को पहचानते हैं जो नरक बनाने वाला है. There is the picture of Ravan as well as of Shiv. Neither they recognize Shiv who makes heaven, nor do they recognize Ravan who makes hell. इतने बड़े बड़े लिंग आदि बनाते हैं. They prepare such big links, etc. समझते हैं इतना बड़ा होगा. They think he must be this big. फिर भी कहते हैं नाम रूप से न्यारा है. Yet they say he is beyond name and form. नाम रूप से न्यारा है और कह देते हैं सर्वव्यापी है. He is beyond name and form, and then they say he is omnipresent. इसलिए बाप ने कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य. That is why the father has said यदा यदा हि धर्मस्य. जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है. Meaning whenever there is extreme defamation of religion. कि ऊंचे ते ऊंचे बाप को भी नीचे ते नीचे कण कण में मिला देते हैं. That is when they put even the highest on high father in the lowest particles. क्योंकि तुम बच्चे ये तो जानते हो कि भारत में ही शिव बाबा की सबसे जास्ती ग्लानी होती है. Because you children indeed know that the most defamation of Shiv Baba takes place in Bharat itself. हाँ? भारत में ग्लानी होती है जास्ती. Does more defamation take place in Bharat? शिव बाबा की जास्ती ग्लानी भारत में ही होती है. Does more defamation of Shiv Baba take place only in Bharat? दूसरे देश वाले नहीं करते हैं ग्लानी? Don't the people of other countries defame him? अरे, दूसरे देश वाले, दूसरे धर्म वाले भारत के धर्म की ग्लानी करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे, do the people of other countries, the people of other religions defame the religion of Bharat or not? भारतवासी ज्यादा करते हैं. Someone said the residents of Bharat defame him more. The residents of Bharat defame him more. विदेशी का ग्लानी करके कन्वर्ट करके नहीं ले जाते हैं? हैं? Don't the foreigners defame the religion of Bharat and convert its people into their religion? वो भले कन्वर्ट करें, लेकिन हम क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं? Although they convert us, why do we convert?
तो हम कन्वर्ट हो जाते हैं, इससे साबित होता है कि हम ही ग्लानि करने वाले हुए। सो सिंस वी कन्वर्ट इट प्रूव्स दैट वी अवरसेल्व्स आर द वंस हु डिफेम। भारत में ही शिव बाबा की ग्लानि होती है। द डिफर्मेशन ऑफ शिव बाबा टेक्स प्लेस इन भारत इटसेल्फ। भारत में ही कन्वर्शन ज्यादा होता है। मोर कन्वर्शन टू अदर रिलीजन्स टेक्स प्लेस ओनली इन भारत। दूसरे देशों में कहीं इतना कन्वर्शन होता है नहीं। Does so much conversion take place in other countries? No. तो जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी कितनी ग्लानि करते हैं। So, the father who makes you the masters of the world, you defame him so much. तो सबसे ज्यादा ग्लानि कौन करता है? So, who defames Shiv Baba the most? हाँ? अरे सबसे ज्यादा ग्लानि करने वाला कोई एक होगा या नहीं होगा? अरे विल देर बी समवन हु डिफेम्स शिव बाबा द मोस्ट और नॉट? अरे अरे नहीं होगा, कौन है फिर? वोंट देर बी एनीवन लाइक दिस? समवन सेड देर विल बी समवन, हु इज ही देन? अपने बच्चों। अपने बच्चों, अपने बच्चों में कोई है? समवन सेड अमंग अस चिल्ड्रन, देर इज समवन अमंग अस चिल्ड्रन। कोई है, डरते हैं क्या? There is someone. Are you afraid to mention his name? अभी तो बाबा आया हुआ, हम क्या डरते हैं क्या? नहीं। तो बताओ। Now Baba has come. Are we afraid? Student said, No. Then tell me. कितनी ग्लानि तुम करते हो? तुम करते हो? You defame Shiv Baba so much. You defame him. तुम ही जब पुजारी बनते हो तो पूज्य बाप को खूब गाली देते हो। When you yourselves become worshippers, you abuse the worshipworthy father very much. मनुष्यों की मत पर चल करके। By following the directions of human beings. तो मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का किताब भी है। So there is also a book on human directions and directions of God. ये सभी के पास होना चाहिए। Everyone should have this book with them. कि मनुष्य मत क्या कहती है और ईश्वर की मत क्या कहती है? Which shows what the human direction says and what the direction of God says. ये contrast तुम ही समझते हो। You alone understand this contrast. ईश्वरीय मत और मनुष्य मत का। The contrast between the directions of God and human directions. हम श्रीमत पर देवता बनते हैं। We become deities by following Shrimat, that is the direction of God. रावण की मत पर आसुरी बन जाते हैं। We become demonic by following the directions of Ravan. आसुरी मनुष्य होते हैं ना? There are demonic human beings, aren't there? मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाता है। Human directions are called demonic directions. क्या? What? आसुर किसको कहा जाता है? Who are called demons? देवताओं को असुर नहीं कहा जाता, किसको कहा जाता है? Deities are not called demons. Who are called demons? देवताओं का मन चलता है, चलायमान होता है। Does the mind of the deities work? Is their mind inconstant? उनको नहीं असुर कहा जाता है। They are not called demons. चलायमान मन किसका होता है? Whose mind is inconstant? मनुष्यों का मन चलायमान होता है। The mind of the human beings is inconstant. तो जिनका मन ठिकाने नहीं लगता है। So those whose mind doesn't become stable. अभी इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं याद की। You are practicing remembrance so much. 70 साल से बाबा बोलते चले आए मन को एकाग्र करो, बाबा की याद में ठहराओ। Baba has been saying for 70 years, concentrate your mind, stabilize it in the remembrance of Baba. लेकिन क्या होता है? But what happens? है? मैं ठहरता ही नहीं। The mind doesn't become focused at all. मन एकाग्र होता ही नहीं। The mind doesn't concentrate at all. तो मन चलायमान हुआ ना? So the mind is inconstant, isn't it? तो चलायमान मनुष्य कैसी मत देगा? So what kind of directions will an inconstant human being give? आसुरी मत ही देगा।
He will give only demonic directions. आसुरी कर्तव्य ही करेगा? He will perform only demonic deeds. मूल बात है कि ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं. The main thing is that they say that God is omnipresent. सबसे बड़ी मनुष्य मत क्या हुई? आसुरी मत क्या हुई? Which is the biggest human direction? Demonic direction? कि जो ऊंचे ते ऊंचे है. That the one who is the highest on high. उस ऊंचे ते ऊंचे बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं, कण कण में ठोंक देते हैं. They call that highest on high father omnipresent. They say he is present in every particle. कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, कुत्ते बिल्ले में ठोंक देते हैं. They consider him to be present in the incarnation of a tortoise, in the incarnation of a fish, in dogs and cats. अब भगवान ऊंचे ते ऊंचे है. Well, when God is the highest on high, तो ऊंची योनि में आवेगा. Will he come in the highest species? या कीड़े मकोड़ों में आवेगा? Or will he come in the insects and spiders? कीड़े मकोड़े पढ़ाई पढ़ेंगे क्या? Everyone said, in a high species. Will the insects and spiders study the knowledge? जानवर पढ़ाई पढ़ेंगे क्या? Will the animals study knowledge? Someone said, no. तो कितने आसुरी छी छी बन जाते हैं? So, they become so demonic and dirty. तुम्हारी आत्मा भी तो कच्छ मच्छ अवतार नहीं लेती है. Even your soul doesn't take the incarnation of a tortoise and a fish. क्या? What? अपनी आत्मा को हम क्या समझते थे अभी तक? What did we used to think about our soul so far? कि हमारी आत्मा 84 लाख योनियों में जाती. We used to think our soul is born in 84 lakh, that is 8.4 million species. बाप बताते हैं तुम्हारी आत्मा भी 84 लाख योनियों में, जानवरों में, कच्छ मच्छ अवतार में नहीं जाती है. The father says, even your soul is not born in the 84 lakh species, in the animals, it doesn't incarnate into a tortoise and a fish. मनुष्य तन में ही आती है. It is born only in the human body. 27/68 की वाणी का दूसरा पेज. Second page of the Vani dated 27/12/68. तो अभी तुम समझते हो हम कोई कच्छ मच्छ अवतार थोड़े ही बनते हैं. So now you understand we don't incarnate in a tortoise or a fish. हम कोई 84 लाख योनियों में थोड़े ही जाते हैं. We are not born in 84 lakh species. अभी तुमको बाप की श्रीमत मिली है. Now you have received the Shrimat of the Father. कि बच्चे तुम 84 जन्म लेते हो. Children, you have 84 births. 84 के चक्र में आते हो. You come in the cycle of 84 births. इससे जास्ती जन्म होते ही नहीं. There aren't any more births than this at all. अब बताओ 84 और 84 लाख का क्या परसेंटेज कहेंगे? Now tell me what is the percentage, that is ratio, between 84 and 84 lakh? क्या परसेंटेज हुआ? What is the percentage? संस्कार. हैं? संस्कार. 84 और 84 लाख का परसेंटेज क्या हुआ? What is the percentage of 84 and 84 lakh? हैं? कितने परसेंटेज के हैं? What will be its percentage? अरे 84 लाख मनुष्यों मनुष्य जो है 84 लाख जन्म लेता है. अरे a human being has 84 lakh births. 84 लाख योनियों में जाता है, ऐसे बोल दिया. He is born in 84 lakh species. It was said like this. लेकिन लेता सिर्फ 84 जन्म है. But he has only 84 births. तो कितना परसेंटेज ज्यादा कर दिया? हैं? So, how much percentage has it been increased? 1,00,000% गुणा कर दिया. They have multiplied it by 100,000. 1 lakh. अब सच की तो रत्ती नहीं रही. Now, there is not a trace of truth. झूठ माना ही झूठ हो गया.
देयर इज नथिंग बट फॉल्सहुड। तो इनका भी अर्थ समझना चाहिए ना। सो वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टू, शुडंट वी? किसका? ऑफ व्हाट? कि मनुष्यों को 84 लाख योनियों में क्यों डाल दिया? Why did they assume that a human being is born in 84 lakh species? कोई कारण है या नहीं कारण है? Is there any reason or not? बरोबर सच की रत्ती नहीं है। Definitely there is not a trace of truth. अभी भारत का हाल देखो क्या है। Now look, what is the condition of Bharat? भारत जो सचखंड था, जिसको हेवन कहा जाता था। भारत which was the land of truth, सचखंड which was called heaven. कोई साधु संत आदि सुने तो उनका अंदर चलता रहेगा, ये क्या कहते हैं? If any sage or saint listens to it, they will think within, what are they saying? हमारे वेद शास्त्र आदि सभी झूठे। Are all our Vedas, scriptures etc. false? और इतने जन्मों से हम भक्ति करते आए, ये हमारी दुर्गति हुई क्या? And we have been doing bhakti for so many births, did we degrade through it? सारी दुनिया दुर्गति में जा रही है वेदशास्त्र पढ़ने से। Is the whole world degrading by reading the Vedas and scriptures? बोलो हाँ। Tell them yes. मनुष्यों की मत से दुर्गति और भगवान की मत से सदगति। Degradation takes place by following the direction of human beings and sadgati is brought about by following the directions of God. भगवान आकर ज्ञान देते हैं, मनुष्यों से अज्ञान आता है। God comes and gives knowledge. Ignorance comes from human beings. देखने में तो मनुष्य वो ही आते हैं। The human beings appear to be the same. परंतु वो सतयुग त्रेता के दैवी गुणों वाले। But in the golden and silver ages, they are the ones with divine virtues. और ये द्वापर कलयुग के हैं आसुरी गुणों वाले। And these ones of the copper and iron ages have devilish traits. क्योंकि द्वापर कलयुग में है रावण राज्य, माया का राज्य। Because it is the kingdom of Ravan, the kingdom of Maya in the copper and iron ages. इनको आसुरी संप्रदाय कहेंगे। They will be called the ones belonging to the demonic community, Asuri Sampradaya. क्या कहेंगे? What will they be called? Sur Sampradaya नहीं। They will not be called Sur Sampradaya, meaning those who belong to the community of deities. Asur. They are Asur, meaning demons. A माने? A means? Sur नहीं। हाँ? हाँ। Someone said, those who are not Suryavanshi, meaning those who belong to the Sun dynasty. Yes. Asur माने सुर में सुर नहीं मिलाते हैं एक दूसरे का। Asur means they do not harmonize their tune, that is sur, with each other. एक एक बात कहेगा तो दूसरा दूसरी बात कहेगा। If one person speaks one thing, the other will speak something else. एक एक सुर में बोलेगा तो दूसरा दूसरे सुर में बात करेगा। If one person speaks in one tune, the other one will speak in another tune. उनके संस्कार आपस में मिलते ही नहीं। Their संस्कार do not match with each other at all. तो हैं आसुरी संप्रदाय। So they are those of the demonic community. अब ये कितना बड़ा अक्षर, कड़ा अक्षर है, आसुरी। Now this is such a big and harsh word. आसुरी मीनिंग डिमोनिक। वो है दैवी दुनिया। दैट इज द डिवाइन वर्ल्ड। देवताओं का राज्य चलता है। देयर इज द किंगडम ऑफ द डेटीज देयर। बाप ने समझाया है ये लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट है, दी सेकंड, थर्ड कहा जाता है। द फादर हैज एक्सप्लेन्ड, इट इज सेड लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड। जैसे कि एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है। जस्ट एज देयर इज एडवर्ड द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। है क्या बोला? What was said? है ये किससे तुलना कर दी? With whom were they? That is लक्ष्मी नारायण compared? लक्ष्मी नारायण the first, second, third।
ऐसे ही है जैसे क्रिश्चियंस में एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड थर्ड. लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट सेकंड थर्ड आर जस्ट एज एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड थर्ड अमंग द क्रिश्चियंस. किसकी किससे तुलना की? हु वॉज कंपेयर्ड विथ हुम? हैं? कृष्ण की डायनेस्टी की तुलना क्रिश्चियंस से की. द कंपैरिजन ऑफ द डायनेस्टी ऑफ कृष्णा वॉज मेड विद द क्रिश्चियंस. कृष्ण की डायनेस्टी में जैसे होता है वो ही फॉलो क्रिश्चियंस ने भी किया है. वॉट एवर हैपन्स इन द डायनेस्टी ऑफ कृष्णा द क्रिश्चियंस हैव फॉलोड द सेम. पहली पीढ़ी फिर दूसरी पीढ़ी ऐसे चलती है. द फर्स्ट जनरेशन देन द सेकेंड जनरेशन इट गोज ऑन इन दिस मैनर. तुम्हारे में भी पहले होते हैं सूर्यवंशी. ऑल्सो अमंग यू फर्स्ट आर द सूर्यवंशी. फिर चंद्रवंशी. देन द चंद्रवंशी मीनिंग दोज हू बिलोंग टू द मून डायनेस्टी. क्या मतलब? वॉट डज इट मीन? क्या सतयुग में लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट के बाद जो लक्ष्मी नारायण सेकेंड होंगे वो चंद्रवंशी होंगे? डज इट मीन दैट द सेकेंड लक्ष्मी नारायण इन द गोल्डन एज हु आर आफ्टर लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट बिलोंग टू द मून डायनेस्टी? नहीं होंगे. विल दे नॉट बी चंद्रवंशी? नीचे नहीं गिरेंगे, फेलियर नहीं होंगे. Won't they fall down? Won't they become failures? Failure हुए ना? They are failures, aren't they? तो लक्ष्मी नारायण की दूसरी डायनेस्टी से ही गिरावट शुरू हो जाती है. So the downfall starts from the second dynasty of Lakshmi Narayan itself. चंद्रवंश जैसे शुरू हो जाता है. In a way, the moon dynasty begins. तो बाप ने चक्र का राज अच्छी रीति समझाया है. सो द फादर हैज एक्सप्लेन्ड द सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड साइकिल वेल. तो ऐसा वंश कौन सा है जहां गिरावट नहीं होती? सो विच इज द डायनेस्टी वेर देर इज नो डाउनफॉल? सतयुग के जो लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट हैं, उनके तुरंत बाद ही गिरावट शुरू हो जाती है. Immediately after Lakshmi Narayan the first of the golden age, the downfall starts. तो ऐसे भी कोई हैं जहां गिरावट होती ही नहीं. So is there also such a dynasty where downfall doesn't take place at all? हैं? सूर्यवंशी. Those belonging to the Sun dynasty. जो संगम युग में सूर्यवंशी का foundation पड़ता है, उनमें गिरावट? गिरावट नहीं होती. द डायनेस्टी इन विच द फाउंडेशन ऑफ द सन डायनेस्टी इज लेड इन द कॉन्फ्लुएंस एज द डाउनफॉल डजंट टेक प्लेस इन दैट डायनेस्टी. तुम्हारे शास्त्रों में ये बातें नहीं थी. दीज थिंग्स वर नॉट देयर इन योर स्क्रिप्चर्स. कोई कोई शास्त्रों में थोड़ी लकीरें आदि लगाई हुई है. इन सम स्क्रिप्चर्स अ फ्यू लाइंस एटसेट्रा हैव बीन ड्रॉन. परंतु उस समय जिन्होंने पुस्तक बनाई है उन्होंने कुछ नहीं समझा. But those who prepared the books at that time understood nothing. Baba bhi jab Banaras mein gaya tha. Also when Baba went to Banaras, a city in UP. Us samay ye duniya achhi hi nahi lagti thi. He didn't used to like this world at all at that time. Fir wahan sari deewaron par leeka pehenta tha. Then he used to draw lines on all the walls there. बाबा ये कराता था. बाबा यूज टू मेक हिम डू दिस. कौन बाबा? विच बाबा? शिव ब्रह्मा बाबा से ये दीवारों पर बनारस में लाइनें कौन खिंचवाता था? शिव बाबा. शिव बाबा. समवन सेड समथिंग. हु यूज टू मेक ब्रह्मा बाबा ड्रॉ दीज लाइंस ऑन द वॉल्स इन बनारस? शिव बाबा. परंतु हम तो उस समय बेबी थे. बट आई वॉज अ बेबी एट दैट टाइम. कौन? Who? ब्रह्मा बाबा. ब्रह्मा बाबा. तो पूरा समझ में नहीं आता था कि ये क्या लाइनें खिंचवाई हैं. So I didn't understand completely what these lines that have been drawn through me were. बस कोई है जो हमसे ये कराता है. It is just that there is someone who makes me do this. विनाश देखा तो अंदर में खुशी भी थी.
When I saw the destruction, I was also happy within. रात को सोते थे तो भी जैसे उड़ते रहते थे. Even when I slept at night, it was like I was flying. परंतु कुछ समझ में नहीं आता था. But I didn't understand anything. ऐसे लीक डालते रहते हैं. I used to draw lines like this. कोई ताकत है जिसने प्रवेश किया है. I used to think there is some power that has entered me. हम वंडर खाते थे. I used to wonder. पहले तो धंधा आदि करते थे, फिर क्या हुआ? Earlier, I used to do business etc. Then what happened later? कोई तो देखते थे और झट ध्यान में चले जाते थे. Some went into trance immediately on seeing me. कहता था ये क्या हुआ? I used to say what has happened. जिनको देखता हूँ उनकी आंखें ही बंद हो जाती हैं. Whomever I see, their eyes itself closed. पूछते थे तुम्हारी आंखें बंद हो गई, तुमने क्या देखा? I used to ask them, your eyes closed, what did you see? तो कहते थे वैकुंठ देखा, कष्ट देखा. They said, I saw Vaikunth, meaning paradise, I saw Krishna. तो ये सभी समझने की बातें हुई ना? So, all these are things to understand, aren't they? इसलिए सभी कुछ छोड़कर बनारस चले गए समझने के लिए. This is why I left everything and went to Banaras in order to understand. Banaras क्यों गए? Why did he go to Banaras? समझा कि वहाँ विद्वान पंडित आचार्य हैं, वो इन बातों का रहस्य समझाएंगे. He thought there are scholars, pandits and teachers there. They will explain the secret of these things. सारा दिन बनारस में बैठा रहता था पेंसिल और दीवाल. और कोई धंधा नहीं, वे भी था ना. The whole day I sat with a pencil and walls in Banaras and there was no other business. I was a baby, wasn't I? तो ऐसे ऐसे जब देखा तो समझा अभी ये कुछ करना नहीं है. So when I saw such things, I thought I don't have to do these things, that is business etc. Now. ये सारा धंधा आदि छोड़ना पड़ेगा. I will have to give up all this business etc. खुशी थी? I was happy. ये गधाई छोड़नी है. I have to give up this गधाई, meaning donkeyship, in parallel to राजाई, that is kingship. कौन सी गधाई? हाँ? जो लौकिक दुनिया का भरण पोषण कर रहे हैं, वो गधाई छोड़नी थी. Which गधाई? He had to leave the gadhai of sustaining the Laukik family which he was doing. ये दुनिया में रावण राज्य है. There is the kingdom of Ravan in this world. रावण के ऊपर गधे का सिर दिखाते हैं. They show the head of a donkey over Ravan. दिखाते हैं ना? They show it, don't they? क्या मतलब हुआ? What does it mean? क्यों दिखाते हैं रावण के सिर पर गधे का सिर? Why do they show the head of a donkey on the head of Ravan? नहीं. Someone said something. No. गधा वजन ढोता है. The donkey carries the load. तो ये वजन ढोने वाले की निशानी दिखाई है. So they have shown this as a sign of the one who carries the load. Continued in VCD number 1404.